नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सुजालपुर, शुक्रवार शनिवार हुई भारी बारिश के बाद जहां नदी नाले उफान पर रहने से भारी नुकसान की खबरें हैं, वहीं पार्वती नदी के पुल का एक हिस्सा पार्वती नदी में आई बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए नदी से बाढ़ का पानी उतरते ही पुल को दुरुस्त करा दिया है। इस पुल पर आवागमन शुरू हो गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी में बाढ़ के बाद पुल के एक हिस्से से मिट्टी का कटाव होने से सड़क व पुल के बीच एक बड़ी सी दरार पड़ गई थी। प्रशासन द्वारा कांटा वाले स्थल पर मुरम डलवाकर रास्ता शुरू करवा दिया। मामले में एसडीएम प्रकाश कस्बे ने बताया कि पुल के जिस ओर का हिस्सा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था वह सीहोर जिले में आता है। सीहोर प्रशासन द्वारा इसे दुरुस्त करा दिया गया है। सुजालपुर काला पीपल का संपर्क सीहोर भोपाल से फिर से जुड़ गया है। बहरहाल पुल पर आवागमन शुरू होने से सुजालपुर काला पीपल के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यही पार्वती नदी का पुल राजधानी भोपाल तथा सीहोर से जोड़ता है। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।